हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिजू लॉगर पूजा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बाय टाइटल और बाय थंबनेल आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हेयर स्पा एट होम जस्ट फॉर 5 मिनट्स। घंटों जाकर सैलून में बैठने से अच्छा है कि आप घर में 5 से 10 मिनट में अगर आप लोगों का हेयर स्पा हो जाए तो आप लोगों की बात ही क्या कह रहे हैं। तो लॉरियल पेरिस वालों ने बहुत ही अच्छा हेयर मास्क निकाला है जो कि है लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रीम मास्क, जिसमें आप लोगों को 2 पैकेजिंग देखने को मिलती है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप से है। इसकी प्राइसिंग लिंक मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, पर्पल पे, सारी जगहों पे, ऑनलाइन शॉप पे मिल जाएगी ये। और लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेयर ऑयल स्ट्रीम मास्क जो है, इसमें 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है नरिशिंग मास्क, जो कि है आपको स्मूथनिंग कर देगा आपके फ्रिजीनेस हेयर को। मैंने शैम्पू किया है, बहुत ही फ्रिजी लग रहे हैं मेरे हेयर्स, तो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस का ये वाला हेयर मास्क, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपको पता ही होगा समर के सीज़न में हमें रफ़ और ड्राई हेयर्स और फ्रिजीनेस हेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। हमें समर के सीज़न में अपने बालों में बिल्कुल फ्रिजीनेस नहीं चाहिए, ड्राइनेस नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथनिंग वाली फीलिंग होनी चाहिए हमारे बालों पर, तब हमें अपने बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर मास्क। इसमें हेयर स्पा एट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आप घर पे आ कर सकते हैं, हेयर स्पा कर सकते हैं। तो साथ में सेकेंड स्टेप में आप लोगों को स्ट्रीम कैप दिया जा रहा है, जो कि सेल्फ फिटिंग है। जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल सेल्फ फिट करेगा। और इसकी रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सच में ये वर्क करता है कि नहीं। लॉरियल की शैम्पू यूज़ कर लीजिए। इसकी शैम्पू भी आती है एक्स्ट्राऑर्डनरी, लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्राऑर्डनरी शैम्पू और कंडीशनर दोनों अवेलेबल है, जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जब भी आप इस मास्क का यूज़ करें ना, तो आप सिर्फ शैम्पू कीजिए, कंडीशनर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रीम ऑयल वाला हमारा मास्क है ना, वो बिल्कुल एक कंडीशनर की तरह ही काम करता है और ये बहुत ही अच्छा है। इसकी प्राइसिंग भी बहुत सही है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले अपने बालों को गीला करना है। स्प्रे बॉटल की हेल्प ले लीजिए। स्प्रे बॉटल से आप अपने बालों को अच्छे से वेट कर लीजिए। वेट करने में हम यहाँ पे रूट पे भी अप्लाई करने वाले हैं और टिप पे भी अप्लाई करने वाले हैं अपने हेयर मास्क को। तो यहाँ पे मैं रूट को भी अच्छे से ड्राई को वेट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अपने टिप पर भी अप्लाई करूँगी, इसलिए वहाँ पर भी अच्छे से उसे गीले कर रही हूँ। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हम ट्राई करेंगे, इस हेयर मास्क को अप्लाई करेंगे। आप जैसे जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। 20 से डिवाइड कर लीजिए अपने हेयर्स को और थोड़े थोड़े हेयर्स लेके इस टाइप से, इस तरीके से लगाइए। यहाँ पे हेयर मास्क मेरा लग चुका है। अच्छे से आप उसे क्या कीजिए, जूड़ा बना लीजिए। और जूड़ा बनाने के बाद हमारा जो ये सेल्फ फिटिंग वाला कैप मिला हुआ है ना, स्टेप टू में उसे अप्लाई करना है। तो आप लोगों को बता दूँ, ये जो शीट मास्क होती है ना, जब हम शीट मास्क अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सीरम से भरी होती है, तो वैसे ये भी जो है ना, नरिशिंग ऑयल से भरी हुई है। जब मैंने इसे उठाया तो ये वजन है और ये बहुत सारे ऑयल से भरी हुई है, या फिर बोल सकते हैं आप वो हेयर सीरम से लगी हुई है। और इसे अच्छे से कैप को लगा के आपको बालों को अंदर करके 5 मिनट आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको हेयर वॉश करना है। मसाज करते टाइम आपको फील होगा कि आपको हीट कर रहा है। और ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें इतने सारे सीरम बोल लीजिए या फिर नरिशमेंट वाली ऑयल है, जो आपके बालों पे अच्छे से अप्लाई हो जा रहे हैं। तो चलिए, 5 मिनट हो चुका है, अब हेयर वॉश करके मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनिंग लग रहे हैं मेरे हेयर। जो उसमें छोटे छोटे चंकी पार्टिकल्स थे ना, वो बिल्कुल, जब मैंने वो कैप लगाया तो सेल्फ हिट के नाम से, वो बिल्कुल
मेल्ट हो गए, और मेल्ट होने के बाद मेरे बालों में बिल्कुल शाइनिंग प्रोवाइड कर दी, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे अपने बाल, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सटल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूँ ये लंबे बालों के लिए थोड़ा सा कम पड़ता है जैसे मुझे पड़ा, और अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो आपके लिए बहुत सही क्वांटिटी है, बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन लंबे बालों वालों के लिए क्वांटिटी थोड़ी कम है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।